हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर पूरे कांग्रेस को धर्म संकट में डाल दिया है, तो वहीं पूरे देश की जनता राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर सख्त है और राहुल गांधी को जमकर फटकार लगा रही है। तमाम पूर्व सैनिक और रिटायर्ड ऑफिसर राहुल गांधी को लताड़ रहे हैं। अब इसी बीच बड़ा बयान आया है भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को कसकर डांटा है, साथ ही माफी मांगने के लिए भी कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हुए गुस्से में नजर आए और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी को जमकर फटकार भी लगाई है। वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का यह चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है, उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका यह चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी के इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल गांधी को जमकर लताड़ा था। इसके साथ ही राहुल गांधी की पिटाई करने की भी बात कही थी। सुनिए क्या कुछ कहा था मजिंदर सिंह सिरसा ने। राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है, इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना, और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है, तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए और इसको पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। उसकी माँ का फर्ज बनता है अपने बेटे को देशभक्ति सुनाना, उसकी बहन का फर्ज बनता है अपने भाई को देशभक्ति सिखाना।